सेंसेशन यानी हम कहें किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव के दर की गणना को अवकलन कहते हैं। ठीक है, गणना को अवकलन कहते हैं। तो हम लोग अवकलन पर बात करेंगे कि ऐसे आता है कैसे। देखें तो यहां पर होगा क्या, डी वाई अपान क्या होगा, डी एक्स। इसका मतलब यह हुआ वाई का अवकलन, वाई का अवकलन यक्स के सापेक्ष क्या होगा, यक्स के सापेक्ष। ठीक उसी तरीके से हम लिखेंगे इसमें, अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए यानी डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, वाई में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन, परिवर्तन यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष ऐसे। यानी वाई के जो मान होंगे उसमें परिवर्तन होगा किसके तुलना में, यक्ष के तुलना में कहा जाए, उसके हिसाब से बदलता जाएगा। जैसे हम कह देते हैं कि जैसे लिख देते हैं डी वाई अपान डी जेड लिख दिया जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी वाई में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन, परिवर्तन जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से अवकलन का पहले फार्मूला सिद्ध करते हैं। ठीक है, अवकलन का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, फार्मूला के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है अवकलन में, कि जैसे दिया हुआ है आपको y बराबर x के पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है आपका कि यहां पर हम कहेंगे कि जैसे लिखा हुआ है तो आप लिखोगे पहले डी वाई अपान क्या है, डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे बराबर डी अपान डी एक्स लिखेंगे, वाई के जगह पर ही इतना मान रखेंगे। ठीक है, एक्स की पावर एन, तो हम लिखेंगे क्या, यानी जो एन है पावर वो आगे आएगा इनटू जिसके पावर एन होता है उसको ऐसे लिखेंगे, फिर पावर में से वन को घटा दिया जाता है। ये होता है अवकलन का फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पर अगर कहा जाए तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल लगेगा, यानी कैसे अवकलन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल वन की बात करते हैं, एक्सरसाइज वन, एग्जाम्पल वन देखेंगे। तो एग्जाम्पल वन का मतलब यहां पर यह हुआ, जैसे वाई का मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो आप इसका अवकलन करिए। इसका अवकलन करने के लिए फिर हम करेंगे क्या, यानी डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे बराबर, हम लिखेंगे डी अपान डी एक्स, वाई के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर। यानी हल करेंगे तो हम लिखेंगे, अब जब इसका अवकलन करेंगे, देखें यहां इसका अवकलन हम किए थे तो इस तरीके को हो गया, यानी जो पावर है पहले आएगा इनटू जिसके ऊपर पावर है यक्स, यानी जो हम फार्मूला डेरिवेशन किए हैं उसी फार्मूले पर हम लोग इस पर पुट करेंगे। ठीक है, यन था पावर में यानी टू, यहां था यक्स के था यक्स इंटू किए, टू माइनस वन करेंगे यानी कितना आ जाएगा, टू इंटू एक्स के पावर वन, यानी इसका अवकलन करने पर कितना आया, टू यक्स आया। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहा जाए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कहेंगे तो दूसरा, अगर मान लीजिए y बराबर जैसे आ गया आपके पावर माइनस x के पावर माइनस थ्री, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स, अब यहां पर x लिखेंगे x के पावर माइनस थ्री, क्योंकि y का मान हम रख देते हैं या पुट करते हैं, अब हम निकालेंगे अवकलन, यानी थ्री माइनस थ्री आगे आएगा इंटू जो यहां पर रहेगा उसको रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग का मान वहां पर प्लस में ही रहे। ठीक है, तो यहां माइनस थ्री इंटू क्या होगा, यक्स होगा, अब वहां पर माइनस थ्री और आप घटाओगे भी माइनस वन, तो आपका आएगा कितना, यानी माइनस थ्री इंटू एक्स के पावर माइनस फोर, यानी आपका अवकलन यहां पर कितना होगा, माइनस थ्री एक्स के पावर माइनस फोर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या माइनस थ्री बटे क्या लिखेंगे, एक्स के पावर फोर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर अगर कहा जाए तो तीसरे की बात करेंगे, जैसे वाई बराबर दे दिया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के पावर फाइव, ऐसा दिया है, इसका अवकलन आप करिए। इसका अवकलन करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपान क्या लिखेंगे, डी टी यहां पर डी एक्स बराबर हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखते हैं क्या, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर आप लिखोगे क्या, यहां डी अपान डी एक्स, यहां पर वाई के जगह हम लिखेंगे क्या, टू के पावर एक्स, इसका अवकलन प्लस डी अपान डी एक्स,
यहाँ पर y के जगह हम लिखेंगे क्या d5 ऐसा लिखेंगे, यानी हो जाएगा dy अपान dx बराबर आपका होगा क्या, अवकलन करेंगे यानी 2 इंटू आगे आएगा x और इसके पावर माइनस वन प्लस क्या करेंगे ये अवकलन हटेगा, अवकलन करने पर यह हट जाएगा यानी 5 इंटू x हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस वन करेंगे ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर पावर वन बचा है यानी एक का पावर नहीं लिखते हैं यानी ऐसे लिख देंगे 2x प्लस कितना होगा यहाँ पर 5 इंटू एक्स ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना 4 यानी इसका अवकलन इतना है ठीक है। तो आपको एक सवाल दे रहे हैं यानी पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अगला नंबर पर हम बताएंगे। यानी आप करिए क्या है यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 2 इसका अवकलन करिए ठीक है, इसका अवकलन करिए। तो हम थोड़ा पहले फ्रेम देख रहे हैं, आप पहले क्या करें इस क्वेश्चन को देखिए लगाइए जल्दी एकदम। ठीक है तो हम लोग करते हैं क्या इसका अवकलन करेंगे, यानी आप आ गया होगा अगर नहीं आ रहा है तो समझ में, फिर हम करेंगे क्या डी वाई अपान क्या करेंगे डी एक्स करेंगे, यहां पर बराबर क्या लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहां पर वाई के जगह हम लिखेंगे थ्री एक्स ठीक, प्लस अपान डी अपान डी एक्स लिखेंगे बराबर यहां पर क्या है टू इंटू कर लेंगे यहां पर लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर होगा आपका क्या थ्री इंटू करेंगे यानी थ्री आगे आएगा, थ्री एक्स यहाँ पर आगे आ जाएगा, x के पावर वन है यानी x के पावर माइनस वन यानी वन तो ऑलरेडी है माइनस वन करेंगे, प्लस यहाँ पर इस नियतांक का अवकलन हमेशा क्या होता है जीरो होता है ठीक है। तो डी वाई अपान क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे बराबर इसका अवकलन करेंगे तो थ्री एक्स के पावर माइनस जीरो एक्स के पावर जीरो हो जाएगा यानी इसका मान एक यानी इसका अवकलन कितना आएगा थ्री आएगा ठीक है। और जिसका इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी अंक का यहाँ पर आंकिक मान का अवकलन हमेशा सदैव का क्या होता है शून्य होता है। अब कमेंट में लिखिए, कमेंट पर आप जितना कमेंट लिखोगे उतने ही चीजें आपको याद होंगी, तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे सर आंकिक मान का सदैव अवकलन जीरो होता है यानी कोई नियतांक राशि आएगी जिसका मान बदल नहीं रहा है तो उसका अवकलन क्या होगा हमेशा शून्य होता है ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो हम लोग इधर देखते हैं क्या होता है, इधर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर आगे नंबर पर है कह रहा है कि जब अवकलन कहा जाए कि x के पावर आपको लिख दिया जाए कि y बराबर कह दिया जाए कि अंडर रूट में x है इसका अवकलन आप करिए, तो आप कैसे करेंगे यानी आप लिखोगे क्या लिखोगे डी वाई अपान डी एक्स ठीक, वही काम करेंगे डी अपान डी एक्स यहां पर लिखेंगे क्या अंडर रूट में x ठीक, यहां पर हम लोग लिखते हैं d अपान डी एक्स, अब इसका मान क्या लिखते हैं अंडर रूट में कोई भी चीजें होती हैं उसका मान हम क्या लिखते हैं पावर में एक बटे दो, तो हम इसके पावर क्या लिख देते हैं एक बटे दो, फिर भी हम लिखेंगे क्या अब अवकलन इसका कर देते हैं, अवकलन जब करेंगे तो यहां पर क्या होगा एक बटे दो आगे आ जाएगा इंटू क्या होगा एक्स, इसके पावर एक बटे दो है माइनस वन घटाएंगे यानी क्या होगा एक बटे दो इंटू, फॉर्मेट को पकड़ो टेक्निक को पकड़ोगे तो आपका कोई भी कठिन सवाल भी आपका अवकलन आसानी से आ सकता है ठीक है। आप जितने भी आप कर रहे हो यानी कमेंट करो कि सर मेरा आंसर आ रहा है यानी हम सीख पा रहे हैं, जब आप कहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी मिलेगी कि बहुत से बच्चे हम सिखाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कहते हैं कि अवकलन सर समझ में आ गया था, यानी हम कहेंगे जो फिजिक्स में हम लोग को यूज करना है वहां पर ही इसी तरीके से करना है। तो हम करेंगे क्या यहां पर x के पावर जब आधा में से माइनस एक को घटाओगे तो कितना आएगा माइनस वन यानी एक बटे दो आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक बटे दो इंटू x के पावर इसी x को बदल देते हैं एक बटे लिखेंगे x के पावर एक बटे दो, इसको हम लिख सकते हैं क्या एक बटे दो इंटू एक बटे अंडर रूट में x लिख सकते हैं और बाकी हम पूरा लिखेंगे वन का इंटू करेंगे टू अंडर रूट एक्स आएगा यानी इसका अवकलन इतना हो गया ठीक है। तो हम लोग अवकलन इस तरीके से सीख पाए जो फार्मूला बनाए हैं ऐसे अगर कहा जाए तो। एक चीज और आपको बताना था भूल गए जो कि यहाँ पर हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हम आपको बताए हैं कि डी वाई अपान डी एक्स यानी इसका मतलब क्या हुआ यानी वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, इसका मतलब यही हुआ कि y में जो परिवर्तन होगा x की तुलना में परिवर्तन होगा ठीक है। यहां पर यह चीजें हैं यानी हम लोग पढ़े भी हैं क्या dx अपान dt पढ़े भी हैं
कि यह क्या होता है, यानी भी के बराबर होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्स स्थिति है और क्या है यहां पर टी क्या है समय है, यानी टी के सापेक्ष स्थिति में क्या है परिवर्तन, या आप कह सकते हो स्थिति में परिवर्तन टी के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष, ऐसा भी कह सकते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। और हम लोग पढ़े हैं क्या, डी भी अपान क्या होता है डी टी, यानी इसका मतलब क्या हुआ ए के बराबर होता है, यानी हम कहते हैं भी के मान में परिवर्तन, भी के मान में परिवर्तन टी के सापेक्ष क्या होता है त्वरण कहलाता है, हम लोग पढ़े भी हैं। और आप पढ़े जो चीजें हैं उनको अगर आप रिवाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं यानी आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कोशिश कि अवकलन देखें, अवकलन आपको कैसे फार्मूला बताएं, किस तरीके से हम एग्जाम्पल बताएं, उसी एग्जाम्पल को लेकर उसी फार्मूले से हम लोग कैसे हल किए हैं एकदम सरल तरीके से, ठीक है। तो इस सरल तरीके से अवकलन आप सीख लीजिए, और जब नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप एक्सरसाइज को लगाइए, और दो तीन बार आप वीडियो को जब देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप खुद आपको आ जाएगा, और यह आप महसूस करेंगे कि आपको फील हो रहा है यानी आप सीख पा रहे हो। अवकलन के बिना और कुछ हल नहीं कर पा सकते हैं। और कल वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, यानी समाकलन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो अवकलन हम लोग सीख पाए क्या है, डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन को हम कैसे दिखाते हैं, डी अपान डी वाई अपान क्या लिखते हैं डी एक्स के रूप में ऐसे लिखा जाता है, यानी डी का मतलब होता है छोटा मान, यानी छोटे मानों में परिवर्तन होते हुए सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में अवकलन हम लोग सीख पाए आसान है, और आप कमेंट करिए कि सर आसान है और इस तरीके से हम बताएंगे तो हमको बड़ी खुशी मिलेगी कि अब हम आसानी से अवकलन बच्चों को सिखा पाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है।